ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो हमारे एक लव्य स्कूल है और जो बोझिया में है, जहाँ पर इंटर तक की जो पढ़ाई होती है और वो हमारी थारू जनजातियाँ की जितनी लड़कियाँ हैं लड़के हैं वो वहाँ पर पढ़ते हैं, तो इसी के अंतर्गत जो एक लव्य स्कूल बोझिया है उससे 4 छात्राएं और 3 छात्र, कुल मिलाकर 7 जो बच्चे हैं वो आज दिल्ली गए हैं और सबसे पहले ये माननीय राष्ट्रपति महोदया से मिलेंगे और उसके बाद में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा तो उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में ये लोग वहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। तो बहुत गर्व का विषय है कि बहराइच जो एक आकांक्षात्मक जनपद है और यहाँ के एकलव्य स्कूल के बच्चे जो थारू जनजाति के बच्चे आज वहाँ पर जा रहे हैं दिल्ली में और उनका सम्मान किया जा रहा है, ये बहुत हर्ष का विषय है। थैंक यू। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जिलाधिकारी कार्यालय के पास और जहां पर आज जनपद के लिए एक बड़ी ही गर्व की बात है। जी हां, बहराइच के एक स्कूल की छात्राएं और छात्र दिल्ली जा रहे हैं और राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे। क्या है पूरा मामला, क्या है ऐसी वजह जो बहराइच के बच्चे दिल्ली जा रहे हैं और राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे और क्या होगा पूरा प्रोग्राम, मैम हमारे साथ उनसे बात करेंगे और जानेंगे। मेरा नाम गर्विता मिश्रा है, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ भोजिया बहराइच में, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हमारे स्कूल का नाम है। वहाँ पे बच्चे और हम टीचर्स सब साथ में रहते हैं और वहाँ हम लोगों को लाल किले से महोदया राष्ट्रपति महोदया से बुलावा आया था, बच्चों को अतिथि के रूप में बुलाया गया है। जनजातीय बच्चे हैं हमारे स्कूल में, उन जनजातीय बच्चों का मीटअप है राष्ट्रपति महोदया से और उसके बाद में नेक्स्ट डे 16 को हमारा फोटो सेशन है। हमारे साथ में PTI सर जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और मेरे साथ में मेरे 7 बच्चे जिसमें 3 लड़के हैं और 4 बेटियाँ हमारे साथ में जा रही हैं और ये बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग जुलाई में अभी न्यू हायरिंग वाले हुए, नए अपॉइंटमेंट हुआ है हम लोगों का और तुरंत ही हमें राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिल रहा है, तो दिस इज अ प्राउड मोमेंट। मैम ये बताइए कि जनपद के लिए कितने गौरव की बात है, कितनी बड़ी बात है? बहुत ही गौरव की बात है। आई थिंक आपने शायद बहराइच में अभी भोजिया का नाम इतना नहीं सुना होगा कि पहले लोग कहते थे भोजिया का है और भोजिया का नाम लाल किले तक दिल्ली तक जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है कि एक छोटे से गांव का नाम जहां बहराइच के लोग ही नहीं जान रहे हैं भोजिया कहाँ है और वो दिल्ली में मिल रहे हैं। हमें DM साहिबा ने हमें हरी झंडी दिखाई है, तो प्राउड की बात है। जो लोग आपको देख रहे हैं जनपदवासी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही है कि जो आदर्श विद्यालय है हम लोगों के वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बच्चों को बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है, रेमेडियल टीचिंग की जाती है, तो आपके उधर के जो भी जनजातीय बच्चे हैं जिनको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, अभी अभी लास्ट ही सुना कि 4 बच्चों का IIT में सिलेक्शन हुआ है, NEET में सिलेक्शन हुआ है हमारे बच्चों का, बिना कोचिंग के NEET में जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। अभी नेक्स्ट सेशन में रजिस्ट्रेशन होंगे, रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर उनमें से परीक्षा होती है, उन बच्चों को चयनित किया जाता है, फिर हम लोग उनको पूरी तरीके से ट्रेन करते हैं। सुबह योगा सेशन होता है, फिर PT वगैरह होती है, फिर बच्चे जाते हैं अपना नाश्ता करते हैं, फिर असेंबली होती है, फिर प्रॉपर क्लासेस होती हैं, बीच में इंटरवल में उनको खाना मिलता है और फूड मिलता है, फिर छुट्टी में जा रहा, ये सारी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। ये थी मैम जो इन बच्चों को लेकर दिल्ली तक जाएंगी और राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगी। NN वॉइस अपनी तरफ से व चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता है और तमाम सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिका है, मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बोझिया बहराइच उत्तर प्रदेश की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज आप दिल्ली जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा रहे हैं और यह मेरा बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि हम उनसे मिलने का मौका पाने। अच्छा जी बेटा, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? मेरा नाम प्रियंका है और मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज आप दिल्ली जा रही हैं, राष्ट्रपति जी से मुलाकात होगी आपकी, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं राष्ट्रपति जी से मिलने जा रही हूँ। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं नेक्स्ट डे हमारा फोटो सेशन भी है उनके साथ में, नेक्स्ट डे हमारा फोटो सेशन भी है और 15 अगस्त को प्रोग्राम में बुलाए गए। ठीक, NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ।
एनएन वॉइस 24x7 न्यूज़, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।